हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू टिक्की बर्गर की रेसिपी, जिसे आप एक बार बनाओगे तो आप मैकडोनल्ड का बर्गर भूल जाओगे। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब का लाल बटन प्रेस करना ना भूलें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। टिक्की बनाने के लिए मैंने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल जो है वो डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/4 कप मटर। यहाँ पे मैंने फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल किया है, जिसे मैंने 5 मिनट के लिए उबाल के ले लिया है। ये पूरी तरह से जो है वो पके हुए नहीं है, तो इसके लिए हम सबसे पहले पैन में जो है वो मटर ऐड कर देंगे और इसे हमें 1 से 2 मिनट तक के लिए तेल में जो है वो भून लेना है। तो मटर जो है वो भून चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर और 1/4 टीस्पून हमें हल्दी ऐड करनी है। उसी के साथ हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इसके बाद हम ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून आमचूर पाउडर और इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और तेल में जो है 1 से 2 मिनट तक के लिए भून लेते हैं। तो इसे चलाते रहिए इस तरह से। मटर और मसाले जो है अच्छे से भून चुके हैं। अब हमें इसमें ऐड कर देने हैं उबले हुए आलू। मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के आलू जो है उनको उबाल के कद्दूकस कर लिया है। आलू को जो है मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर दें। इस तरह से चलाते रहिए। अब हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं नमक। नमक जो है अपने स्वाद अनुसार यहाँ पे ऐड कर दें। मैंने यहाँ पे अराउंड 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा नमक यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसे फिर से एक बार मिक्स कर दें। हमें इसे लो फ्लेम पे ही फ्राई कर लेना है। अब लास्ट में हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देते हैं। इसे भी मिक्स कर दें। आलू जो है हमने ऑलरेडी उबाल के ले लिए हैं, तो इसे पकने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इस आलू के मिश्रण को मैंने एक बोल में निकाल दिया है। अब हमें इसमें ऐड कर देने हैं 2 से 3 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स से जो है बाइंडिंग के लिए अच्छे से हेल्प होगी और जो आलू है वो ज़्यादा चिपचिपे नहीं होंगे। तो हमारा ये डो जो है वो तैयार है। अब हम इसकी टिक्की बनाने के लिए ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे हाथ में थोड़ा सा तेल जो है वो लगा लिया है। अब हम एक हिस्सा जो है वो निकाल देते हैं और इसका एक बॉल जैसे बना लेते हैं। तो उसके बाद इसे प्रेस कर दें और इस तरह से इसकी एक टिक्की बना दें। आपके बर्गर पाव की जो साइज़ होगी, आप उसके हिसाब से ही टिक्की को जो है बड़ा और छोटा कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने टिक्की को जो है हल्का सा मोटा रख दिया है। तो हमारी एक टिक्की जो है वो बनके तैयार है। तो इसी तरह से हम दूसरी टिक्की बनाते हैं। तो हम थोड़ा सा एक हिस्सा ले लेते हैं, पहले उसे राउंड शेप दे दें और उसके बाद हमें उस पर प्रेस कर देना है और इस तरह से हमें टिक्की बना लेनी है। ब्रेड क्रम्स ऐड करने की वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मिश्रण जो है ज़्यादा चिपचिपा नहीं हुआ है। तो इसी तरह से हमें जो है वो सारी टिक्कियाँ बना लेनी है। टिक्कियाँ बनके तैयार हैं और मैंने यहाँ पे ले लिया है ये मैदे का घोल। इस मैदे के घोल बनाने के लिए मैंने 3 टेबलस्पून मैदा ले लिया है और उसमें जो है पानी ऐड कर दिया है। तो इस मैदे के घोल को हमें ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, इस तरीके से बना लेना है। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स, जो हम कोटिंग के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम टिक्कियाँ बनाने के लिए ले लेते हैं। तो इस तरह से एक टिक्की हमें मैदे के घोल में डिप कर लेनी है और उसे मैदे के घोल से पूरी तरह से कोट कर लेना है। उसके बाद हमें ये टिक्की जो है वो ब्रेड क्रम्स में डाल देनी है और ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेना है। तो ध्यान रखें, पूरी तरह से जो है ब्रेड क्रम्स से कोट कर दें टिक्की को। तो हमारी ये टिक्की बनके तैयार है। तो इसी तरह से हम बाकी की टिक्कियाँ भी बना लेते हैं। पहले हमें इसे मैदे के घोल में जो है वो डिप कर लेना है और उसके बाद हमें इसे ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेना है। ध्यान रखें, ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोट कर दें। इससे जो है हमारी टिक्कियाँ बाहर से क्रिस्पी बनेंगी। तो हमारी ये भी टिक्की तैयार है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सारी टिक्कियों को जो है प्लेट से कोट कर लिया है। अब हमें इन सारी टिक्कियों को फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और इसके जो ब्रेड क्रम्स है वो ना निकले। तो अब हम इसे फ्रिज में रख देते हैं सेट होने के लिए। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल ले लिया है, तो अब हम इसे चेक करते हैं कि ये गर्म हुआ है या नहीं। तो ये अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम सारी टिक्कियों को जो है वो डीप फ्राई कर लेते हैं। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें टिक्की को डाल देते हैं। तो हमने काफ़ी बड़ी टिक्की बना ली है, तो एक टाइम में बस एक ही टिक्की का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। गैस को हमें मीडियम फ्लेम पर रखकर ही टिक्की को डीप फ्राई कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं धीरे धीरे जो है वो टिक्की का कलर जो है वो सुनहरा हो रहा है। तो इस तरह से ऊपर से भी इसमें तेल डाल दें। तो हमारी जो टिक्की है वो एक तरफ से जो है वो फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे पलट देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना सुनहरा कलर आया है टिक्की को और बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो इसे हम दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो टिक्की है वो दूसरी तरफ से भी जो है फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे निकाल देते हैं। इस तरह से थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए। अब हम एक प्लेट में टिश्यू पेपर रख कर उसमें ये टिक्की निकाल लेते हैं। तो अब हम दूसरी टिक्की भी इसमें डाल देते हैं और इसे भी डीप फ्राई कर लेते हैं। तो हमें टिक्की को जो है सुनहरा कलर आने तक फ्राई करना है। इसे ऑलमोस्ट 1 से 2 मिनट लग जाते हैं। फ्लेम को जो है वो लो पे ना रखें। तो हमारी जो दूसरी टिक्की भी है वो तैयार है, अब हम इसे भी टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल देते हैं। तो इसी तरह से हम बाकी की टिक्कियाँ भी बना लेते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे ये बर्गर पाव ले लिया है जिसे हमें बीच में से कट लगा देना है इस तरह से, और उसके हमें 2 टुकड़े कर देने हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे सॉस ले लिया है और सॉस जो है हम इसके ऊपर इस तरह से लगा देते हैं। तो दोनों जो पाव को है हम सॉस लगा देते हैं। सॉस के बाद हम इसके ऊपर मेयोनीज लगा देते हैं, तो इसे भी स्प्रेड कर दें। आप चाहे तो सॉस और मेयोनीज को साथ में मिक्स करके भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसके ऊपर टिक्की लगा देते हैं और जो टिक्की है वो परफेक्ट शेप में जो है वो बनके तैयार है। अब इसके ऊपर हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे टमाटर ले लिया है, एक प्याज ले लेते हैं और उसी के साथ कुछ मैंने पत्ता गोभी भी इसके ऊपर रख दिए हैं। आप अपने पसंद से जो है वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हमारा जो दूसरा पाव है वो इसके ऊपर रख देते हैं। तो देखा आपने हमारा जो बर्गर है वो बिल्कुल तैयार है, लग रहा है ना बहुत ही डिलीशियस। तो इस बर्गर को मैं आपको पास से दिखाती हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितना बढ़िया लग रहा है और ये तो मैकडोनल्ड से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हमारा आलू टिक्की बर्गर जो है वो बिल्कुल तैयार है। आप इसे सॉस के साथ मेयोनीज के साथ सर्व करें, तो अब मैकडोनल्ड भूल जाए और घर पे ही बनाए आलू टिक्की बर्गर, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो ये होममेड आलू टिक्की बर्गर आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब का लाल बटन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले रेसिपी के लिए, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।